हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो यार, एक सवाल जो कि म्यूजिक एंड सॉन्ग्स रिलेटेड यूट्यूब चैनल से अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि यदि हम खुद से अपनी आवाज में यदि सिंगिंग करके एक म्यूजिक वीडियो तैयार करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं तो क्या इस केस में हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सॉन्ग है वो हमने खुद से तैयार किया है, खुद ही हमने उस सॉन्ग में सिंगिंग की है, उस सॉन्ग का जो म्यूजिक है वो भी हमने खुद से ही तैयार किया है, और इसके अलावा हमने अपनी सॉन्ग का जो वीडियो रखा है वो वीडियो भी हमने खुद से ही तैयार किया है। तो इस केस में ओवरऑल जो कंटेंट है वो पूरी तरह से हमारा है और हमने ही उस कंटेंट को बनाया है, तो क्या इस केस में हमारा यूट्यूब चैनल यहाँ पर मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। सारी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। सो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें सॉन्ग्स यूट्यूब चैनल की या फिर म्यूजिक यूट्यूब चैनल की, जहाँ पर आज के टाइम पर डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे जरूर होंगे जिन लोगों को सिंगिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि डेफिनेटली काफ़ी अच्छा गा भी लेते होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी गाने को तैयार करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती है, जैसे कि आपने जो सॉन्ग रेडी किया है उस सॉन्ग की लिरिक्स क्या है, उस सॉन्ग का म्यूजिक क्या होगा। तो यहाँ पर कई बार लोग क्या करते हैं कि जो भी रेडीमेड म्यूजिक होते हैं, अब वो चाहे बॉलीवुड सॉन्ग हो, कोई एल्बम का सॉन्ग हो, उन्हीं सॉन्ग्स को जो है यहाँ पर अपनी वॉइस में गाकर जो है वो अपना वीडियो तैयार कर लेते हैं। अब डेफिनेटली यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी ऐसा सॉन्ग जो कि पहले से ही किसी म्यूजिक एल्बम के द्वारा तैयार कर लिया गया है यदि उस पर गाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर हर एक प्रोडक्ट का आज के टाइम पर अपना ही एक कॉपीराइट होता है। और जितने भी ऑनलाइन प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि अगर हम किसी सॉन्ग की बात करें तो ये कोई एक फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं ये एक ऑनलाइन सामग्री है उस पर्सन की जिसने इसे तैयार किया है। तो आज के टाइम पर जितने भी ऑनलाइन कंटेंट होते हैं इनका भी कॉपीराइट पेटेंट होता है, और जो भी लोग इस तरह के सॉन्ग्स को तैयार करते हैं वो कहीं ना कहीं इनका कॉपीराइट भी जो है वो रजिस्टर करके रखते हैं। तो जो भी म्यूजिक एल्बम यहाँ पर अपना सॉन्ग यूट्यूब पर अपलोड करते हैं उन्हें अपने सॉन्ग के लिए कंटेंट आईडी क्लेम मिला हुआ होता है, जिसकी वजह से जब भी आप उनके इस तरह के सॉन्ग को जो है वो अपनी खुद की आवाज़ में गाकर भी अपलोड करते हैं तब भी आपकी यूट्यूब वीडियो पर आपको कॉपीराइट क्लेम देखने को मिल जाता है। क्योंकि भले ही आपने यहाँ पर उस सॉन्ग को खुद की आवाज़ में गाया है, खुद से गाया है, म्यूजिक भी आपने खुद से तैयार किया है, लेकिन अगर हम उस सॉन्ग को एज अ प्रोडक्ट देखें तो आपसे पहले उस सॉन्ग को जो है किसी और ने बनाया है, सारी मेहनत उसकी लगी, सारी रिसर्च उसकी लगी, सारा जो उस पर खर्चा आया वो भी उसका लगा, और यहाँ पर आपने अगर देखा जाए तो उस गाने को डायरेक्टली कॉपी किया है और उसी के जैसा हूबहू अपने वर्जन में एक नया सॉन्ग तैयार किया है। इसी वजह से आपको अपनी वीडियोस पर कॉपीराइट क्लेम देखने को मिलता है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यदि हमारी यूट्यूब वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो क्या इससे हमारे यूट्यूब चैनल के मोनेटाइजेशन पर फर्क पड़ेगा, या फिर क्या हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो भी लोग यहाँ पर जो सॉन्ग्स हैं उनको खुद से रेडी करते हैं, यानी कि गाते भी खुद ही हैं, उसका वीडियो भी खुद से ही तैयार करते हैं और म्यूजिक वगैरह भी यहाँ पर खुद से ही तैयार करने की कोशिश करते हैं, तो यदि उनकी यूट्यूब चैनल की वीडियोस पर उन्हें कॉपीराइट क्लेम आ भी जा रहा हो, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपना कंटेंट जो है वो ओरिजिनली खुद से ही तैयार किया है, बट मोस्टली केसेस में इस तरह के जो यूट्यूब चैनल है वो मोनेटाइज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कॉपीराइट क्लेम है वो कभी भी यूट्यूब चैनल के मोनेटाइजेशन को इफेक्ट नहीं करता है ओरिजिनल कंटेंट के केस में। यदि कंटेंट ही आपका कॉपीराइटेड है, जैसे कि मान लीजिए आपने सॉन्ग तो खुद से गाया है लेकिन आपने जो वीडियो इस्तेमाल किया है वो कॉपीराइटेड है, तो उस केस में डेफिनेटली आपको रीयूज कंटेंट आ जाएगा। लेकिन यदि आपने 100% चीज़ें ओरिजिनल रखी हैं और डेफिनेटली आपने जो गाना गाया है वो तो किसी का कॉपीराइटेड ही है, तो उसके लिए यदि आपको सिर्फ और सिर्फ कॉपीराइट क्लेम आता है तो उस केस में आपका जो YouTube चैनल है वो यहाँ पर मोनेटाइज हो जाता है। डेफिनेटली कॉपीराइट क्लेम की वजह से उनकी जो अर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा लो होती है, और बहुत सारे सॉन्ग्स पर तो उन्हें 100% क्लेम आ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें सॉन्ग्स पर एक भी अर्निंग नहीं होती है। और मान लीजिए यदि कोई सॉन्ग को उन्होंने तैयार किया है और जब तक उन्हें उस पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आता है तब तक भी वो उससे यहाँ पर जो है वो अर्निंग कर पाते हैं। इन सब चीज़ों के साथ ही दोस्तों, यदि आप एक सिंगिंग या फिर म्यूजिक से रिलेटेड यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो देखिए, इससे आप अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा सकते हैं, लोगों के बीच आप अपने बारे में जानकारी फैला सकते हैं, लेकिन एक यूट्यूब चैनल के द्वारा आप इससे बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं कर सकते मोनेटाइजेशन के थ्रू। इसके अलावा प्रमोशन वगैरह करके, स्पॉन्सरशिप वगैरह करके आप ज़रूर से अर्निंग
कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई एक सिंगिंग से रिलेटेड यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर ऑफलाइन प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा मिलने लग जाते हैं, क्योंकि लोग ऑलरेडी आपका जो टैलेंट है या आपकी जो वॉइस क्वालिटी है, आपकी जो सिंगिंग का स्टाइल है, वो ऑलरेडी आपकी वीडियोज़ में देख चुके होते हैं। तो कहीं ना कहीं एज अ बिजनेस आप इसे प्रमोट कर सकते हैं और लोगों तक अपनी रीच को पहुंचा सकते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ मोनेटाइजेशन के थ्रू अर्निंग करना या उससे अपना करियर बना लेना ये इनफ नहीं होता है, ना ही इतनी अर्निंग आपको मोनेटाइजेशन के थ्रू हो पाती है। सो आई होप दोस्तों अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।